हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है और आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। तो ऐसे में जो आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, क्या उसे बढ़ाया जाएगा और क्या आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है आज 12 जुलाई, क्या इसे दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म की। तो दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है वो 90% चांसेस हैं कि नहीं बढ़ेगी। 10% चांस है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसे लेट फीस के साथ बढ़ा सकते हैं। आपकी लेट फीस के साथ एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जा सकता है, बट आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। बहुत कम चांस है कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसे पहले से ही इतनी बार एक्सटेंड किया जा चुका है। अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को कितनी बार एक्सटेंड किया गया है। आपके मार्च से लेकर अभी जुलाई, 15 जुलाई तक आपकी जो डेट है उसे इतनी बार एक्सटेंड किया जा चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है उसके लिए अब जो लास्ट डेट है वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की उसे इतनी बार बढ़ाया जा चुका है। इसलिए अब बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपकी जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जाए। अभी आपके पास 3 दिन है, 15 जुलाई तक का समय है आपके पास। यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द, बिना लास्ट डेट का वेट किए हुए, आप जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप जो है उसे सबमिट कर दें। इसके बाद बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की। आपका जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है, तो क्या आपके री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप री रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप री रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है, तो क्या ऐसे में इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत कम चांस है कि आपके री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ाया जाए, पर इसकी डेट को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये ही नहीं पता था कि री रजिस्ट्रेशन करना था और उनका अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए इसे 15 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है, पर आपको वेट नहीं करना है। आपको ये वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। आपके पास 15 जुलाई तक का समय है। आपने अगर अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप जल्द से जल्द अपना री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर के लिए करवा लें। इसके बाद सबसे लास्ट में बात करते हैं आपके एडमिशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जुलाई 2021 के एडमिशन चल रहे हैं और आपके जो जुलाई 2021 के एडमिशन की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। जैसा कि आप एडमिशन पोर्टल पर आते हैं तो आपका जो एडमिशन पोर्टल है उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई रखी गई है। तो 15 जुलाई आपके एडमिशन की लास्ट डेट है, तो ऐसे में आपकी जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन एडमिशन की लास्ट डेट है उसे कन्फर्म है कि बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो बोर्ड है उनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि CBSE का अभी रिजल्ट नहीं आया और CBSE का रिजल्ट 31 जुलाई को आना है। ऐसे में स्टूडेंट अपना जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसलिए जो आपके एडमिशन की लास्ट डेट है उसे अभी और भी कई बार बढ़ाया जाना है, अभी इसे 31 जुलाई तक और आगे भी इसे अगस्त तक ले जाया जा सकता है। इसकी जो डेट है इसे अगस्त तक एक्सटेंड किया जाएगा। अभी आपकी लास्ट डेट जो है उसे 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया जाएगा, इसके बाद अगस्त तक एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अभी CBSE का जो 12th क्लास का रिजल्ट है वो नहीं आया है, जिस कारण से इसकी जो लास्ट डेट है वो डेफिनेटली बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें बताया गया कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है उसे शायद ही बढ़ाया जाए, लेट फीस के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है, और आपके जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, इसकी जो लास्ट डेट है पहले से ही इतनी बार बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि इसकी जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आई होप आपको सारी डिटेल्स बारीकी से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।